न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मनीषा जी, जो एक हाउस वाइफ हैं। आप हाउस वाइफ हैं और आज आप यहाँ पर आई हैं और मैं देख रहा हूँ आपके ड्रेसअप वगैरह बहुत अच्छे से है। तो पहले महिलाओं को घर से बाहर भी निकलने दिया जाता था, अब कैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं वो बताएं। मैं सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए और आज उनकी 63वीं पुण्यतिथि पर मन को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और सभी साथियों को जय भीम कहती हूँ। जैसा आपने सवाल पूछा कि मैं महिलाएं पहले घर में कह देती हूँ आज कैसे आई हैं, तो मैं अपने बाबा साहब को उसका श्रेय दे दूँगी और उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग यहाँ निकल गए हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें दिया वो किसी 33 करोड़ देवी देवताओं ने आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया। और जो बाबा साहब ने हमारे महिलाओं के लिए जो किया है हिंदू कोड बिल के तहत, जो बाबा साहब ने हम महिलाओं को जो गुलामों के भी गुलाम थी, जिनको कोई अधिकार नहीं था, कोई अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो हमें बाबा साहब की वजह से मिला। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, अच्छे कपड़े पहन के खड़ी हूँ, अच्छी ड्रेसअप हूँ, तो वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से हूँ। क्योंकि महिलाओं को तो घरों में भी आज की डेट में भी महिलाओं को सिर्फ 4 दीवार में कैद करके रखा जाता है। कहने का मतलब है कि वो हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग वो कैद है, सिर्फ 4 दीवार में उनको चूल्हा चौका संभालो और बाकी बाहर नहीं निकलना है। उनके ऊपर आज भी वही उसी तरह का जो कैद किया हुआ है महिलाओं को। लेकिन मैं बाबा साहब की वजह, बाबा साहब ने हमें पढ़ने का जो अधिकार है उसका मैंने फ़ायदा और लिया और उन्हीं की वजह से आज मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए तिलक नगर से यहाँ इतनी दूर चल के आई हूँ। मैं अपने समाज को भी ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज की महिलाओं को निकलना चाहिए। आज फिर भी कुछ पहले से संख्या ज़्यादा है, लेकिन हमारे जो समाज का जो पुरुष समाज है वो हमारे समाज की महिलाओं को लेके नहीं आता है। अब खुद तो निकल के आ जाता है, बाद में कहता है कि जी महिलाएं नहीं आती हैं। ये गलत बात है, महिलाओं को पूरा दोष नहीं दे सकते आप। मैं भी आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बाबा साहब की विचारधारा के बारे में बताया, उन्होंने मुझे समझाया। तो आप, मैं पुरुषों से भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी अपने घर में जाएँ, जो भी कहीं मीटिंग में बाबा साहब की विचारधारा को अपने परिवार में अपनी बहन को अपनी बेटी को अपनी माँ को समझाएँ, तो बाबा साहब की विचारधारा के अगर वो जानेंगी समझेंगी तभी तो घर से निकलेंगे। पूरा हम श्रेय पुरुष को तभी दे सकते हैं जब वो अपने साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपनी महिलाओं को साथ लेकर आएंगे। आपने कितनी खूबसूरती से बताया है कि आप, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी दी है और महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे ऐसे कार्य करे हैं और महिला आज कंधे से कंधा मिलाकर जो चल रही हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से चल रही हैं, और उन पुरुषों को भी अपनी महिलाओं को आगे निकाल के आगे बढ़ाना चाहिए, तभी देश विकसित हो पाएगा। ऐसे मुझसे बात करने के लिए मैम धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।